साहब, स्टीव रॉजर्स ने कैप्टन अमेरिका का ओहदा इतना बड़ा बना दिया था कि फैल्कन को पिछले 4 साल से लगातार कोशिश करनी पड़ रही है उस ओहदे में फिट होने के लिए। आफ्टर द एवेंजर्स एंड गेम भाई साहब, कैप्टन अमेरिका के साथ साथ दो और ऐसे आयरोनिकल चेहरे थे जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था एमसीयू से, आयरन मैन एंड नताशा रोमानोव उर्फ ब्लैक विडो। भाई साहब, इसके साथ साथ कैप्टन अमेरिका को भी बर्खास्त कर दिया गया था और उसके बाद से मार्बल्स वालों को लगातार भाई साहब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि यस, तीन चेहरे जबरदस्त हजार। दैट्स वाई कि एवेंजर्स के बाद से जनता मार्बल की कोई भी क्रिएशन को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है जैसे दिया करती थी। वही चीज की भाई साहब कैप्टन अमेरिका के लिए यहाँ पर ये लोग फुल जद्दोजहद कोशिश में लगे पड़े हैं कि यस, इस चेहरे को रिप्लेस करा जाए, वो भी फैल्कन यानी सैम विल्सन के साथ में। और यस, सैम विल्सन में वो पोटेंशियल भी देखने को मिलता है। ये बंदा काफी कोशिश कर रहा है, वो हर कोशिश कर रहा है एंड जद्दोजहद कर रहा है कि यस, एज कैप्टन अमेरिका मुझे लोग एक बार के लिए एक्सेप्ट कर ले, यस, इसको भी चांस देना चाहिए। मेरे हिसाब से फिलहाल मैं भी इसे बुरी तरीके से भाई बुरी तरीके से इसे एक्सेप्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन यस, एक चांस देने को मांगता है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जब ये वेब सीरीज आई थी तब भी वहां पर लोगों ने इसे बहुत क्रिटिसाइज करा था एज कैप्टन अमेरिका वहां दिखाने की कोशिश करी थी, लेकिन अब जो है मार्वल वालों ने चौथे पार्ट को ही कैप्टन अमेरिका को भेंट में दे दिया है, यानी सैम विल्सन को एक पूरा मौका दे दिया है। यस, पूरा टीजर दमदार है भाई साहब, और टीजर में सैम विल्सन का चेहरा इस्तेमाल ना करके कैप्टन अमेरिका का शील्ड का इस्तेमाल ज्यादा करा जा रहा है। इस छोटे से टीजर में भाई साहब शील्ड को ही लगभग में लगभग 10 से 15 बार इस्तेमाल करा गया है, तो आप समझ सकते हो कि लोगों के दिल में दोबारा से कैप्टन अमेरिका को वही भूत एंड क्रेज को सवार करने के लिए क्रिएटर एंड मेकर्स कितनी कोशिश कर रहे हैं। सैम विल्सन भाई साहब, यस, ये बंदा थोड़ा इंप्रूवमेंट तो देखने को मिल रहा है। फैल्कन उसके पास जो एडवांटेज है वो पर और जो उसकी जो अपनी ताकत थी, देन उसके बाद कैप्टन अमेरिका एज कैप्टन अमेरिका में जो इंप्रूवमेंट स्टीव रॉजर्स के टाइम पर नहीं थे वो अभी देखने को मिल रहे हैं। दो दो फैल्कन देखने को मिल रहे हैं भाई साहब। टीजर्स में बहुत कुछ दिखाया गया है, छोटी सी छोटी की डिटेल्स दी गई हैं। यस, उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लूप होल्स होने वाले हैं, क्योंकि रेड हल्क देखने को मिल रहा है, और रेड हल्क भाई कौन होने वाला है? रेड हल्क सेकेंड पार्ट हल्क का जो है भाई साहब, यहाँ से वो कनेक्शन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि एज जनरल जो कैप्टन अमेरिका को अमेरिकी आर्मी में दोबारा से एंट्री देना चाहते हैं, वो उसका कनेक्शन भी हल्क के सेकेंड पार्ट से देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, देन उस पर डिटेलिंग में बात करेंगे। तो ये दोनों कैरेक्टर भाई वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। रेड हल्क भाई काफ़ी ज़्यादा रौद्र और गुस्सेल देखने को मिल रहा है। रेड हल्क भी कैप्टन अमेरिका की शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, वो जो नीचे एक छोटा सा मोमेंट लास्ट में दिया गया है। देन उसके बाद दो दो फैल्कन देखने को मिल रहे हैं, और इसके पीछे क्या होने वाला है भाई साहब, वो तो मूवी में ही पता चलेगा कि सेकंड फैल्कन कौन हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट फैल्कन जो अपना कैप्टन अमेरिका से मर्ज कर दिया गया है और एज कैप्टन अमेरिका ही उसे दिखाया जा रहा है। देन उसके बाद कास्ट की बात करें तो सेथ रॉलिंस का भी नाम आया है, और एक छोटा सा मिनी सेकंड का ही उसका चेहरा इस्तेमाल करा है एज छपरी। पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं ये सेथ रॉलिंस को, भाई जबरदस्त पर्सनैलिटी है। देन उसके बाद एक और जबरदस्त चेहरा दिखाया गया है, अगर आप हॉलीवुड की मूवीज या फिर वेब सीरीज से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो तो द बॉयज में वाउट का जो चेयरमैन था सैन आर्टगार, जो जिनका एक्चुअल नेम है यान कार्लो एस्पोसिटो, शायद यही है, प्रोनाउंस गलत हो तो माफ करना, जरूर बता के जाने क्या हो सकता है। फिलहाल यान कार्लो एस्पोसिटो भाई साहब, वो वहां पर एक जबरदस्त वेल मैच्योर्ड कैरेक्टर देखने को मिल रहा था, जो होमलैंडर की भी एक बार के लिए धज्जियां उड़ा दी थी उसने, और यस, ये यहां पर भी वही काम करने वाला है एज मर्सिनरी, एज कॉन्ट्रैक्ट किलर काम देखने को मिल रहा है, एज टर्मिनेटर, जो डेडपूल में हमें सैम का कैरेक्टर देखने को मिला था सेकंड पार्ट में, वो वाला कैरेक्टर देखने को मिल रहा है भाई, आओ देखाना था और धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब ये कैप्टन अमेरिका के साथ होने वाला है, उसके खिलाफ होने वाला है, फ्यूचर कनेक्शन होने वाला है क्या, ये इसके पीछे भाई साहब मूवी में ही पता चलने वाली कहानी। लेकिन यस, यान कार्लो एस्पोसिटो का भाई लुक धांसू लग रहा है, इसके लिए वेट है। टीजर तो प्रॉमिसिंग है, काफी प्रॉमिसिंग है भाई, आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, बाकी देखते हैं ट्रेलर में और क्या मिल सकता है। फिलहाल मूवी अभी 7 महीने बाद आने वाली है, फरवरी 2025 में, तो बहुत पहले निकाल दिया एडमिन से कि लोगों के दिलों में अच्छी खासी ये हाइप सेट करने वाले हैं, और सिर्फ एक नहीं, 2 से 3-4 ट्रेलर ये लोग फेंकने ही फेंकने वाले हैं। सैम विल्सन को भाई एक मौका तो देना चाहिए, यस, देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद।